और इस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम अभी मतलब कहाँ आए हैं, जंगलों में, मतलब आसपास में कोई मकान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कोरोना काल में यही जीवन बिताएंगे, क्या करें। इंडिया में पिक्सल 4a खरीदना चाहते हो तो मैं आपको एक दर्दनाक सत्य बताना चाहता हूँ, जो कि गूगल की तरफ से आपको जो सर्विस है, मतलब रिपेयरिंग का प्रोसेस रहेगा, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अड़चने आनी रहेगी। बट यहाँ मैं पिक्सल 4a यूज़ कर रहा था पहले, तो मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ कि फ़ोन थोड़ा सा गिर गया, फिर उसमें फिजिकल सिम काम नहीं कर रही थी स्टार्टिंग से, या थोड़ा सा मान लीजिए डिस्प्ले में क्रैक हो गया। तो मैंने फ़ोन को गूगल के सर्विस सेंटर मुंबई ब्लू डार्ट के थ्रू भेजा। मतलब अगर गूगल में सिंपली ऐसा है कि वॉक इन सर्विस सेंटर नहीं है, मतलब आप सर्विस सेंटर पर जाके उसे ठीक नहीं करा सकते हो, आपको गूगल को कंप्लेंट करनी होगी, उसके बाद में वो आपका एक कंप्लेंट नंबर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में एक ब्लू डार्ट से आपकी सर्विस बुक करेंगे और आपका फ़ोन वो पिकअप करने आ जाएगा। तो मेरे साथ में क्या इंसिडेंट हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा सेम इंसिडेंट पहले हो चुका, गुप्ता इन्फॉर्मेशन नाम से एक टेक्निकल चैनल है, उन्हीं के साथ में हो चुका है, उनका फ़ोन भी टूटा था तो उनके साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो चीज़ें ये हुई कि जैसे मैंने फ़ोन को भेजा मुंबई, तो मुंबई भेजने के बाद में वहाँ से मेरे पास में बीटवर्क्स जो इनका सर्विस पार्टनर है उनकी तरफ से मेल आया कि सर जी आपके फ़ोन में काफ़ी सारी मल्टीपल्स दिक्कत है। तो मैंने कहा कि दिक्कत तो वही थी, डिस्प्ले टूटा हुआ था और एक फिजिकल सिम में थोड़ी सी दिक्कत थी, मतलब सिम एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मेरे फ़ोन की कीमत 30,000 रुपये थी और मेरे फ़ोन का जो इन्होंने बिल दिया बना के, मतलब रिपेयरिंग का जो प्राइस दिया इन्होंने, वो 28,672 रुपये का दिया है। यहाँ पे अगर आपको मेल में दिख रहा है 28,672 रुपये का दिया है, ये दिखाई दे रहा होगा, हालांकि इन्होंने ज़्यादा ही फोकस कर लिया। और ये बीटोक्स की तरफ से आया, इन्होंने बोला कि डिस्प्ले भी चेंज होगी, मिड प्लेट भी चेंज होगी और बैक ग्लास भी चेंज होगा, मेन बोर्ड भी चेंज होगा और यूएसबी भी चेंज होगी। मतलब 28,672 रुपये में ये लोग चेंज कर रहे हैं सारी चीज़ें, और मैं फ़ोन लाया था पर्सनली 30,000 रुपये का। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि यार, मतलब इनको शर्म भी नहीं आती क्या ये चीज़ भेजते हुए कि आप 28,672 रुपये में से रिपेयर कराइए। अगर कोई बंदा 30,000 रुपये में फ़ोन लाएगा तो 1,500 रुपये देकर नया फ़ोन मैं ले सकता हूँ ऑब्वियसली। अब मेरे फ़ोन में दिक्कत डिस्प्ले की थी, सिम कार्ड की थी, तो मैंने गूगल को रिक्वेस्ट भी किया कि यार आप एक काम कीजिए, मेरा फ़ोन जैसे वैसा रहना तो केवल डिस्प्ले चेंज करके भेज दो। तो उन्होंने कहा कि सर नहीं, जो हमने कोटेशन भेजा है उसी के अकॉर्डिंगली आपको फ़ोन को रिपेयर कराना पड़ेगा, इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, आप ऐसे मतलब ठीक नहीं करा सकते। तो बेसिकली एक गलत चीज़ है, अगर आपका गूगल का फ़ोन ख़रीदते हो तो आप ध्यान रखना, अगर आपका फ़ोन फिजिकल डैमेज होता है, कुछ भी होता है, तो उसका इंश्योरेंस करवा लें। मेरे साथ में पहली बार ऐसा हुआ, मैंने किसी फ़ोन का इंश्योरेंस नहीं करवाया। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो वहाँ जाने के बाद में हो सकता है वो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स बता दें, क्योंकि आपके सामने तो फ़ोन खुलेगा नहीं, आपने फ़ोन भेजा नहीं, हो सकता है इन ट्रांसिट उसमें कुछ हुआ, हो सकता है वहाँ पर जाने के बाद में उसमें कुछ हो, पर आपकी कोई भी चीज़ नहीं सुनी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि इतना बिल बना है, इतने पैसे पे कर दो। 24,639 रुपये तो उन्होंने रिपेयर के चार्ज किए हैं, GST 2900 कुछ रुपये है और 900 रुपये सर्विस चार्ज है, 163 रुपये GST है। अब बेसिकली चीज़ में यहाँ पे एक क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ, जिस भी कंपनी का आप फ़ोन खरीद रहे हो अगर उसके वॉक इन सर्विस सेंटर नहीं है तो आप तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती है। मेरे फ़ोन में केवल डिस्प्ले की मिस्टेक थी और सिम कार्ड की मिस्टेक थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि आप सिम कार्ड को रहने दीजिए, मैं ई सिम चला लूँगा और आप मुझे केवल डिस्प्ले चेंज करके दे दीजिए, क्योंकि उस फ़ोन की कंडीशन ऐसी है कि उस फ़ोन के पार्ट्स ना वो भी बाहर भी नहीं मिलेंगे आपको। अब गूगल ने मना कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पूरे पैसे दे पे करने पड़ेंगे, उसी के बाद में हम फ़ोन को ठीक कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि मेरा फ़ोन डेड हो चुका है, मतलब कोई काम का ही नहीं है वो, ना तो उसके बाहर पार्ट मिलेंगे ना गूगल उसको सही करके दे रहा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ली कि आप केवल डिस्प्ले चेंज कर दो और फ़ोन को भेज दो, बट वो बोल रहे हैं कि यार मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, जबकि फ़ोन बेसिकली ठीक तरीके से वर्क कर रहा था। मैंने खूब सारी शादी की वीडियो रिकॉर्ड की, खूब सारी चीज़ें रिकॉर्ड की, मतलब हिमाचल गया था पूरी चीज़ें रिकॉर्ड की। अब दुख की बात ये भी है कि मेरे उसमें काफ़ी सारा तो डेटा था, हिमाचल का पूरा डेटा था, उससे पहले गोवा का पूरा डेटा था और मेरे दोस्त की शादी थी उसका पूरा डेटा था। अब अगर मैं फ़ोन नहीं सही कराता हूँ वो डेटा मेरे पास नहीं आ सकता, वो भी दिक्कत है। मतलब मैं ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में हूँ कि 28,000 रुपये दूँ या फिर डेटा लूँ, हालांकि डेटा तो मैं कहीं ना कहीं से रिकवर कर लूँगा। बट एक चीज़ मैं ये समझाना चाहूँगा कि गूगल का अगर आप फ़ोन खरीद रहे हो तो केयरफुली उसे चलाएं, अगर आपका फ़ोन टूट गया तो हो सकता है वहाँ जाने के बाद में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बता दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और मेरा उद्देश्य यही था इसके साथ में बताने का। और वैसे जो ये आदमी अभी रिकॉर्ड कर रहा है, इसके हाथ पैर दुख गए यहाँ पे जंगल में रिकॉर्ड करते हुए, तो इसलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो GoPro से रिकॉर्ड हो रहा है, वो इसका थोड़ा इशू हो सकता है। और इस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हम अभी मतलब कहाँ आए हैं, जंगलों में, मतलब आसपास में कोई मकान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कोरोना काल में यही जीवन बिताएंगे, क्या करें। थैंक यू, बाय।